नमस्ते बच्चों, आज हम आ की मात्रा सीखेंगे। आज आ की मात्रा सीखे। का क के बाजू में जो लाल डंडा दिख रहा है वो आ की मात्रा का स्वरूप होता है, ये ध्यान में रखना है आपको। अगर आप में पढ़ाई में दिक्कत होती होगी तो आपको इसे इस तरह पठन करना होगा, क के साथ में डंडा, ऐसा हाथ करके आप जब उसे पठन करेंगे उसका, तो आपका जल्दी से वो याद में आ जाएगा। जैसे कि अगर आप इस एक्टिविटी के साथ उसका पठन करेंगे तो आपके जल्दी ये आ की मात्रा समझ में आएंगी। तो चलिए, क आपको मालूम है, स्वर और व्यंजन ये जो वर्णमाला है आपकी पाठ है, लेकिन जो आ की मात्रा, ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, ऊ की मात्रा, ये जो पाठ करने में आपको थोड़ी सी कठिनाई महसूस होती है, इसलिए आप इस एक्टिविटी के जरिए अगर पाठ करेंगे तो आपके जल्द से जल्द वो पठन होगा। तो चलिए सीखते हैं। का, बोलिए मेरे साथ, का, ख, बराबर उसके साथ में आ की मात्रा, खा, खा, गा, घा, चा, छा, जा, झा, टा, ठा, डा, ढा, ना, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा, या, रा, ला, वा, शा, शा, सा, हा, क्षा, त्रा, ग्या। इस तरह अगर आप पठन करोगे एक्शन के साथ तो आपका जल्दी ध्यान में आएगा और आप कभी भूलोगे नहीं। तो हर मात्रा को आपको इसी तरह से कृतियुक्त पठन करना है। तो चलिए अब हम कुछ आ की मात्रा के शब्द पढ़ते हैं। ये क्या है? म, बराबर उसके साथ में जोड़ दिया आ, माँ हुआ, फिर क्या हुआ? माँ, माँ, म, फिर से जोड़ दिया आ, माँ। तो उसे कैसे पढ़ेंगे हम? माँ, माँ। अगला शब्द ग, गा, न, ना, गाना, गाना, न, ना, नाग, नाग, ल, ला, लाल, लाल। इस तरह से आप आ की मात्रा के शब्दों का सराव कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, तभी आपको आसानी से पढ़ना आएगा और आ की मात्रा आप कभी नहीं भूलोगे। अगली मात्रा हम ई की मात्रा होगी, छोटी ई की मात्रा, वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।